नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। आज की इस वीडियो में देख ले रहेंगे जो उपाय, तो ये उपाय आपको पूरे जिंदगी भर काम आएंगे। सिर्फ दो बूंद इसका पानी में डालना है, पूरे जिंदगी भर धन दौलत से आप जो संपन्न हो जाएंगे। अगर आपको व्यापार के साधन नहीं मिल रहे हैं, पैसा आना हर मार्ग से बंद हो चुका है, कड़ी मेहनत के बावजूद भी एक वक्त का सही तरीके से रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी छूट गया है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप भी जाने का मन नहीं लगता, व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, न चाहते हुए लोगों से झगड़ा हो जाते हैं, बेवजह लोग बदनाम कर रहे हैं, शरीर बीमार पड़ा रहता है, सिर भारी भारी लगता है जैसे किसी ने जकड़ा हो, तो यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय आपको तब करने जब आपके रोजगार के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं, पैसा आपके घर में नहीं टिकता, पैसा कहीं भी तरीके से आना बंद हो चुके हैं, तो यह उपाय करने के बाद बिल्कुल ही आप भी धन्य धन से संपन्न हो जाएंगे। उपाय बताने से पहले आप सभी मित्रों से निवेदन, अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की आपको जानकारी हमेशा मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस उपाय के और भी फायदे बता देता हूँ कि इससे इस उपाय को करने के बाद आपके लक्ष्मी के जो कृपा, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, हर मार्ग से पैसा आना शुरू हो जाएंगे, नवग्रह के पीड़ा है किसी भी प्रकार के ग्रहों में, नवग्रह के पीड़ा वो भी शांत हो जाएंगे, व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, कदम कदम पे आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएंगे, शरीर हमेशा बीमार पड़ा रहता है यानी कि रोग ग्रसित रहता है वो भी दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय को आपको करना क्या है मित्रों, नौ प्रकार के नदी का आपको पानी लाना है, जो आपके जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आसपास में जो नज़दीक में नदी बह रहा है, तो नौ प्रकार के नदी का पानी लीजिए। नौ प्रकार के नदी ढूंढने में बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे अपने आसपास में जो नौ प्रकार के नदी हैं, तो नौ प्रकार के नदी का पानी ले आए और एक मटके में यानी कि एक घड़ा में नौ प्रकार के नदी के पानी को डालना है और उतना पानी लाना है जितना आपको नहाते बन जाए। इसके बाद इस घड़े के जो पानी नौ प्रकार के लाएंगे नदी का, इसमें तिल और दो बूंद सरसों का तेल डालना है, काला तिल डाल दीजिए थोड़ा सा और दो बूंद सरसों का तेल इसमें डाल देना है। इसके बाद इस पानी से रविवार के दिन इस घड़े के पानी से आपको स्नान करना है। अगर किसी ने तंत्र बाधा किया है, इस पानी के नहाते तुरंत समाप्त हो जाएंगे, नवग्रह की पीड़ा लगा वो भी तुरंत समाप्त हो जाएंगे, अगर आपके शरीर में नेगेटिविटी है वो भी जड़ से समाप्त हो जाएंगी, यानी कि धन के मार्ग माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं हो रहे हो, माँ लक्ष्मी तक आप जो प्रार्थना कर रहे हो वो नहीं पहुँच पा रहे, तत्काल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय को करने के बाद निरंतर आपको फायदा ही फायदा मिलेंगे, क्योंकि नवग्रह की जो पीड़ा है आपके शरीर पे किसी ने डाल दिया हुआ शांत हो जाएंगे और पैसे के नए नए साधन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को काफ़ी मेहनत करने के बाद भी या काफ़ी पढ़ाई करें नौकरी नहीं मिले, तो इस उपाय को अवश्य करना चाहिए, इससे रोजगार के साधन मिलते हैं, सभी मार्ग से पैसा आना शुरू हो जाते हैं, तंत्र बाधा के वो भी जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो इस उपाय को करें अपने जीवन को बदलने के लिए। इस उपाय से आप अपने पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं, ऐसो आराम में अपनी जिंदगी का यापन कर सकते हैं, हर मार्ग से पैसे आते हैं, धन दौलत आते हैं, नेगेटिविटी आपके शरीर में किसी ने छोड़ा, घर परिवार के किसी ऊपर में मतलब घर परिवार के किसी सदस्यों पे छोड़ा है, तो इसका छींटा घरों पे भी मार सकते हैं, घर परिवार में रहने वाले लोगों के ऊपर में छींटा मारने से भी समाप्त हो जाते हैं नेगेटिविटी। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं, जानकारी कैसा लगे मित्रों हमें जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरिओम।